94.3 MyFM से मैं आरजे अर्चना और आज की कहानी। एक रेलवे स्टेशन पर एक गाड़ी आकर रुकी और पास से एक लड़का पानी बेचते हुए वहां से निकला। इतने में एक सेठ जी ने पुकारा, ओए लड़के। लड़का दौड़ता हुआ उनके पास पहुंचा, पानी का एक गिलास भरे हुए। सेठ जी ने कहा, कितने में दिया? उसने कहा, 25 पैसे में। सेठ जी ने कहा, 15 में कर दे। लड़का अपने मुंह में एक मुस्कान दबाए हुए वहां से निकला। उसने पानी जो निकाला था ग्लास में, वो अपने घड़े में वापस डाल दिया। एक महात्मा जो उसी डिब्बे में बैठे हुए थे, उन्होंने ये सब कुछ देखा। वो ट्रेन से उतरे, उस लड़के के पास जहाँ पहुंचे, उन्होंने पूछा कि तुम मुस्कुराया क्यों? उस लड़के ने कहा, क्योंकि सेठ जी को पानी ही नहीं पीना था, उन्हें बस रेट जानना था। इस पर महाराज ने पूछा, तुझे कैसे पता कि उन्हें प्यास नहीं लगी थी? इस पर लड़के ने क्या खूब जवाब दिया है। उसने कहा, जब प्यास लगती है ना, तो इंसान कीमत और दाम नहीं पूछता, पानी पी जाता है और फिर कहता है कितना देना बनता है। अर्थात इसमें एक बहुत बड़ी सीख है, जिन्हें कुछ पाना है वो वाद विवाद में नहीं अपने काम में लग जाते हैं, जिन्हें ईश्वर को पाना है वो उनमें मन लगाते हैं, बातों में नहीं। वो कहते हैं ना, अगर ईश्वर नहीं तो उसका जिक्र क्यों, और अगर है तो फिर फिक्र क्यों। इस धरा पर सब कुछ धरा का धरा रह जाएगा, तेरा तुझ में कुछ नहीं, सब मिट्टी में मिल जाएगा। तो जब तक है जियो दिल से। 94.3 MyFM की ओर से सलाम, दुआ, वणकम, प्रणाम, सत श्री अकाल। खेमचो सारू छे, अमदावाद आखुई मारू छे।